उपन्यास माई फर्स्ट मर्डर केस का 17वां भाग। लेखक जयदेव जावरिया, आवाज शौभिक पालित। बेटा जयदेव उठ जाओ, 7 बज गए, आज कॉलेज नहीं जाना क्या? अरे मम्मी मुझे सोने दो, नींद आ रही है। बेटा तेरा पेपर है आज, भूल गया क्या? जयदेव हड़बड़ा कर उठा। अरे मम्मी मैं इतनी लेट हो गया हूँ, आपने मुझे उठाया नहीं। अच्छा बेटा अब मुझ पर ही इल्जाम लगा रहे हो, इतनी देर तक पढ़ोगे तो जल्दी कैसे उठोगे? मम्मी मेरे पेपर चल रहे हैं इसीलिए देर तक पढ़ना पड़ता है, वरना मेरी आदत का तो सभी को पता है कि मैं जल्दी सो जाता हूँ। अच्छा जा नहा ले वरना बोलेगा कि मैं लेट हो गया। फिर 20 मिनट बाद जयदेव जाने के लिए घर से बाहर निकला और अपनी बाइक पर सवार होकर कॉलेज की तरफ चल दिया। अभी थोड़ी दूर ही पहुंचा था कि गली के मोड़ पर एक अति सुंदर लड़की खड़ी थी। रंग एकदम ऐसा जैसे कि दूध सा, नया नक्श तीखे, आंखें झील सी, अगर कोई इन्हें दो पल देख ले तो मानो उनमें खो जाए। नीले रंग का सूट, सफेद रंग की सलवार, बाल खुले हुए, ऐसी लग रही थी मानो आसमान से कोई परी नीचे आ गई हो। आज बहुत लेट हो गए तुम, मुझे यहाँ खड़े खड़े 20 मिनट हो गए। अरे सोनम यार क्या करूं, बस आज आंख नहीं खुली, सॉरी माफ कर दो प्लीज। अच्छा ठीक है अब चलो, पेपर है वरना हम लेट हो जाएंगे। पर जयदेव को होश कहाँ था, वो तो बस सोनम को देखता जा रहा था, उससे उसकी नजर ही नहीं हट रही थी। सोनम समझ गई। अरे ओ पागल छोरे मेरी फोटो खींचकर अपने पास रख लियो, फिर चाहे पूरे दिन देखते रहना, पर अब जल्दी चल पेपर है, यार क्यों लेट करा रहा है? इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, तुम हो ही इतनी सुंदर जो तुम्हें देखे बस देखता ही रह जाए। सोनम ने शर्म से नजर नीची कर ली। बस यार तेरा रोज का काम हो गया है मेरी तारीफ करना, जो बात दिल में होती है उसे जयदेव सामने कहता है ना कि पीठ पीछे। जयदेव जयदेव, किसी लड़की की आवाज उसके कानों में पड़ी। हड़बड़ाकर उसने देखा तो सलाखों के सामने साक्षी खड़ी थी और उसे पुकार रही थी। जयदेव ने नजरें ऊपर उठाकर देखा तो साक्षी थी। तुम यहाँ क्यों आई हो? अब सब खत्म हो गया है, मैंने तुम्हें निराश किया है, मुझे माफ कर दो। जयदेव की बातों से साफ जाहिर हो रहा था कि वो हार मान चुका है, अब उसके हाथ में कुछ भी नहीं है। नहीं जयदेव, तुमने अपनी पूरी कोशिश की इस केस को हल करने के लिए, पर खुदा को कुछ और ही मंजूर है। आज तुम इन सलाखों के पीछे बस मेरी वजह से हो, बल्कि मुझे तुमसे माफी मांगनी चाहिए। क्यों मुझे और शर्मिंदा कर रही हो साक्षी, ये मेरा पहला मर्डर केस था, मैं कातिल की साजिश को समझ ही नहीं पाया और उसकी साजिश का शिकार हो गया। इसमें किसी की भी कोई गलती नहीं है, अगर किसी की गलती है तो वो मेरी है, मैंने कातिल को बहुत हल्के में ले लिया और आज देख लो इन सलाखों के पीछे हूँ। कोई बात नहीं साक्षी, वैसे भी मेरे पीछे है कौन रोने वाला, अगर मैं मर भी गया तो किसी को क्या फर्क पड़ेगा। ऐसा मत कहो प्लीज, साक्षी की आंखें नम हो गईं। मेरी बात का किसी ने यकीन नहीं किया था कि मेरा भाई रॉकी कातिल नहीं है, पर एक तुम थे जिसने मेरी बात का यकीन किया, मेरी आखिरी उम्मीद तुम ही थे, और देखो आज तुम भी इन सलाखों के पीछे हो। तुम्हारी और इंस्पेक्टर के बीच आखिर क्या दुश्मनी है? बोलो जयदेव बोलते क्यों नहीं? हाँ एक बात और, तुम सोचते हो कि मुझे पता नहीं कि जब मैं तुम्हारे घर पहली बार आई थी तो तुम पंखे से लटक कर अपनी जान देने वाले थे? बोलो मैं झूठ बोल रही हूँ? तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, तुम्हारे आने से पहले मैं खुदकुशी करने वाला था, पर तुम्हें देखकर न जाने क्यों ऐसा लगा कि मैं तुम्हें पहले से जानता हूँ। तुमने मुझे नई जिंदगी दी, मैं अपनी मदद नहीं कर सका पर तुम्हारी मदद जरूर करना चाहता था, पर देख लो मैंने तुम्हारा साथ भी बीच में ही छोड़ दिया। तभी वहां एक कांस्टेबल आ जाता है। चलो मिलने का समय खत्म हो गया है। जयदेव मैं तुम्हें जल्दी ही यहाँ से बाहर निकाल लूंगी। फिर साक्षी बाहर जाने के लिए आगे चल दी। एक बार पीछे मुड़ के देखा तो दोनों एक दूसरे को देख रहे थे, साक्षी की आंखों में आंसू थे। दोपहर के 2 बज रहे थे, डाइनिंग टेबल पर परिवार के सभी सदस्य खाना खा रहे थे, बलवंत को छोड़कर उनमें प्रियंका, घनश्याम व सिसोदिया भी शामिल थे। विनय बोला, देखा माँ जयदेव कितनी बड़ी बड़ी बातें करता था, रॉकी को 7 दिन में जेल से बाहर निकाल लेगा, कातिल को बेनकाब कर देगा और आज खुद जेल में सड़ रहा है। जब किसी और ने पिताजी का खून किया ही नहीं तो कातिल को क्या खाक पकड़ेगा,
कातिल तो पुलिस की पकड़ में पहले ही है। भैया, साक्षी इतनी जोर से दहाड़ी मानो कोई शेरनी दहाड़ती है। अपनी जुबान को लगाम दो। साक्षी का चेहरा एकदम लाल सुर्ख हो गया था। वरना काट के पटक दूंगी। उसने हमारे लिए इतना कुछ किया और तुम उसके लिए इतना बुरा बोल रहे हो। अगर तुम मेरे भाई नहीं होते तो। विनय अकड़कर बोला, तो क्या करती? बोलो, मैं जानता नहीं तुम्हारे और उसके बीच कैसे संबंध है। तुमने ढेर सारे पैसे उसे दे रखे हैं। ये शब्द सुनते ही साक्षी का खुद पर काबू नहीं रहा। उसने दोनों हाथों से विनय का गिरेबान पकड़ लिया। अगर एक शब्द भी आगे तुमने और कहा तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी और भूल जाऊंगी कि मेरा कोई भाई है। मोहिनी चीखी, तुम दोनों ये क्या पागलों जैसी हरकत कर रहे हो? विनय को खा जाने वाली नजरों से देखते हुए बोली, मुझे पूरा यकीन है कि मेरी बेटी ऐसा कोई काम नहीं करेगी जिससे इस घर की बदनामी हो। तभी प्रियंका बोली, विनय भैया, आप बहुत गलत सोच रहे हो। साक्षी ऐसी लड़की नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। मिस्टर जयदेव बहुत अच्छे इंसान हैं। वो लोगों की मदद करते हैं। बिना सोचे समझे अभी तक उन्होंने हमसे एक पैसा भी नहीं लिया। तुम ठीक कह रही हो बेटी, घनश्याम बोला। जब मैं उससे मिला था तो पहली बार थोड़ा अजीब लगा, फिर धीरे धीरे मैं भी उसे पसंद करने लगा। लड़के में कोई बुराई नहीं है मोहिनी जी, बल्कि लड़का हमारे लिए मारा मारा फिर रहा था। और आज अगर वो सलाखों के पीछे है तो हमारी वजह से है, ना कि अपनी वजह से। मैं जानती हूँ, उसने मुझसे कहा था 7 दिन के अंदर अंदर कातिल सबके सामने होगा। पर आज जो हालात है उसे देखकर लग रहा था खून हमारे बेटे ने ही किया है, क्योंकि सबसे ज्यादा पैसों की जरूरत उसे ही थी। मुझे भी यकीन हो गया था कि मेरा बेटा अपने पिता का खूनी नहीं हो सकता। पर अब यकीन करना पड़ेगा, क्योंकि 2 दिन बाद रॉकी की कोर्ट में पेशी है। अब मुझे पूरा यकीन हो गया कि उसे सजा होकर रहेगी। फिर वो फूट फूट कर रोने लगी। तभी सामने से बलवंत आता हुआ नजर आया। उसके हाथ में एक बैग था। वो बहुत खुश था। माँ, रात को हमारे यहाँ रामचरण दुबे जी आए थे। उनकी लड़की की शादी के लिए उन्होंने लगभग हमसे 1 करोड़ के गहने खरीदे हैं। रात को मैं शोरूम के सारे पैसे घर ले गया था, क्योंकि पता नहीं दुकान पर फिर से कुछ गड़बड़ ना हो जाए। मम्मी, इस बैग में पूरे 5 करोड़ रुपए हैं। दोनों शोरूम के पैसे मिलाकर वो कुछ पहले का भी पैसा था जो आना था। मैं सारे पैसे घर ले आया। वातावरण कुछ शांत हुआ था। मोहिनी अब चुप हो गई थी। बलवंत ने बैग डाइनिंग टेबल पर रखा। सब लोग बैग को देख रहे थे। बलवंत के चेहरे पर खुशी के भाव थे। जैसे ही उसने बैग खोला तो एक जोरदार चीख उसके मुंह से निकली। उसका पूरा शरीर जूड़ी के मरीज की तरह कांप गया। सिर घूमने लगा, फिर फर्श पर गिर गया। सब एकदम से अपनी कुर्सी से खड़े हो गए। सबके दिमाग में एक ही सवाल था कि बैग खोलते ही ऐसा क्या हो गया जो बलवंत इतनी जोर से चीखा और नीचे गिर गया। सब लोग बलवंत की ओर लपके। घनश्याम ने बैग देखा तो उसके मुंह से एक दबी हुई सी चीख निकली। फिर सब ने बैग को देखा तो सबका मुंह खुला का खुला रह गया। दिल पसलियों से टकराने लगा, क्योंकि पैसे के नाम पर बैग में सिर्फ पत्थर थे।